हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीओके के प्रेडिक्शन में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले इस मैच का सब अपडेट्स, एनालिसिस, टॉस, प्रेडिक्शन और की प्लेयर्स के बारे में। तो दोस्तों वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो के लास्ट तक जो बना रहे। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले क्रिकेट का महाकुंभ यानी इंडियन प्रीमियर लीग, जो कि इस वक्त अपने पीक पे चल रहा है, जहां पे टूर्नामेंट के 30 मैच भी पूरे हो गए हैं और कुछ टीम टॉप पे स्टेबल है तो वहीं कुछ टीम बॉटम पे स्टेबल है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले टूर्नामेंट के 32वें मैच की, जो कि खेला जाएगा दिल्ली कैपिटल्स और गुजरात टाइटंस के बीच में। यह मैच आपको 17 अप्रैल को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के आगे बढ़ने से पहले अगर आपको टॉस मैच सेशन का अपडेट चाहिए तो हमारे स्क्रीन पर हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन में भी व्हाट्सअप नंबर टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है। अब अगर बात करते हैं, चलते हैं दोनों टीमों का हेड टू हेड देखते हैं, जहां पे दोनों के बीच में टोटल 3 मैच खेले गए, जिसमें दिल्ली कैपिटल्स 1 मैच जीत के आ रही है तो वहीं पे गुजरात टाइटन्स 2 मैच जीत के आ रही है। अब बात करते हैं पिच रिपोर्ट देखते हैं, जहां पे अहमदाबाद की पिच स्लो है, यहां पे एवरेज स्कोर 170 के आसपास का है। बैटर्स को यहाँ पे स्ट्रोक प्लेइंग में इजी होता है, वहीं स्पिनर्स को यहाँ पे फायदा मिलेगा। लास्ट कुछ मैचों में यहाँ बाद बैटिंग करने वाली टीम जीत हासिल की है। वहीं अगर वेदर रिपोर्ट की बात करेंगे तो मैच के दिन में मौसम पूरी तरह क्लियर रहेगा, ह्यूमिडिटी 42% रहेगा और टेम्परेचर 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा। अब बात करते हैं इनके विनिंग परसेंटेज देखते हैं, जहाँ पे बैटिंग फर्स्ट का यहाँ पे 57% जीतने का चांस है तो वहीं बॉलिंग फर्स्ट का यहाँ पे 43% जीतने का चांस है। अब बात करते हैं इनका एवरेज स्कोर देखते हैं, जहाँ फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 173 है तो वहीं पर सेकंड इनिंग का एवरेज स्कोर 162 है। अब अगर बात करते हैं पहली टीम यानी गुजरात टाइटन्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहाँ पे गुजरात का परफॉर्मेंस अब तक अप एंड डाउन वाला चल रहा है। टीम एक मैच जीतती है तो वहीं पर अगला मैच हार जाती है, टीम में कंसिस्टेंसी की कमी साफ दिखाई दे पड़ती है। वहीं टीम ने अब तक 6 मैच खेले हैं, जिसमें से 3 मैच जीत के आ रही है और 3 मैच हार कर आ रही है। वहीं लास्ट गेम में बात करेंगे, टीम टेबल टॉपर स्थान को हरा कर आ रही है। टीम इस मैच में प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव भी कर सकती है। वहीं टीम की बैटिंग डेप्थ नहीं दिख रही है, जहां पर शुभम गिल, साई सुदर्शन लगातार रन भी बना रहे। गिल ने लास्ट गेम में 72 रन बनाए थे, वहीं पर डेविड मिलर चोट के चलते बाहर हो गए थे, उनके जगह मैथ्यू वेट को मौका मिला था लेकिन वो भी फ्लॉप थे। नंबर 4 पे जहां पे अभिनव मनोहर को चांस मिला था, मिडिल ऑर्डर में जहां पे विजय शंकर और राहुल त्रिपाठी अब तक परफॉर्मेंस नहीं कर सके। वहीं लोअर ऑर्डर में जहां पे राशिद खान ने लास्ट गेम में मैच को फिनिश किया था। बॉलिंग में बात करेंगे, जहां पे टीम अच्छा परफॉर्मेंस कर रही है, टीम 3 विदेशी गेंदबाज के साथ कर रही है, जिसमें स्पेंसर जॉनसन जो कि लास्ट गेम में चांस मिला था, अफगानिस्तान के नूर अहमद जो कि किफ़ायती गेंदबाजी कर रहे हैं, वहीं पे उमेश यादव जो कि लाइन लेंथ से बॉलिंग भी कर रहे हैं, यहाँ पे मोहित शर्मा टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है। अब बात करते हैं गुजरात का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि शुभम गिल है, अभिनव मनोहर है, विजय शंकर है, साई सुदर्शन है, मैथ्यू वेड है, राहुल तिवतिया, राशिद खान, नूर अहमद, स्पेंसर जॉनसन, मोहित शर्मा और उमेश यादव। वहीं अगर इम्पैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि दर्शन नलकंडे, जयंत यादव है, शरद बिहार, केन विलियमसन और शाहरुख खान है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि शुभम गिल है, साई सुदर्शन है, मोहित शर्मा है। अब अगर बात करते हैं दूसरी टीम यानी दिल्ली कैपिटल्स का शॉर्ट एनालिसिस करते हैं, जहां पर टीम टूर्नामेंट में खराब स्टार्ट कर, टीम एकजुट होकर परफॉर्मेंस नहीं कर पा रही है, लेकिन लास्ट गेम में जहां पर टीम ने अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए लखनऊ को हराया था, यहां पर कुलदीप यादव की वापसी से टीम को फायदा हुआ। लास्ट गेम में जहां पर मैन ऑफ द मैच भी थे, टीम ने अब तक 6 मैच खेलकर जिसमें 2 ही मैच में जीत हासिल की है। वहीं टीम ने लास्ट गेम में जहां पर मिचेल मार्श के जगह एक जैक फ्रेसर को मौका दिया, उन्होंने पहले ही मैच में 55 रन बनाए। वहीं टॉप ऑर्डर में जहां पर डेविड वार्नर के साथ पृथ्वी शॉ स्टार्ट कर रहे हैं, वार्नर इस वक्त आउट ऑफ फॉर्म में चल रहा है, जो कि लास्ट गेम में टीम ने साई होप को प्लेइंग इलेवन में लिया था, जहां पर कप्तान ऋषभ पंत भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, वो टीम के लीडिंग रन स्कोरर भी हैं, जहां पर क्रिस्टन स्टब टीम के बेस्ट बैटर है, वो लगातार रन भी बना रहे हैं। बॉलिंग में टीम अच्छा कमबैक किया, साउथ अफ्रीकन जहां पे पेसर एंड्रीज नॉर्जी जो कि लास्ट मैच में ड्रॉप कर दिया गया था, जहां पे कुलदीप यादव ने सबसे ज़्यादा 3 विकेट लिए थे, वहीं पे मुकेश कुमार जो कि प्लेइंग 11 में वापसी की, जहां पे खलील अहमद टीम के लीडिंग विकेट टेकर भी है, स्पिन डिपार्टमेंट में अक्षर पटेल है, ईशान शर्मा भी अब तक अनइफेक्टिव दिख रहे हैं। अब बात करते हैं दिल्ली कैपिटल्स का प्लेइंग 11 देखते हैं, जो कि पृथ्वी शॉ है, डेविड वार्नर है, साई होप है, क्रिस्टन स्टाफ है, ऋषभ पंत है, जैक फ्रेसर है, अक्षर पटेल है,
कुलदीप यादव है, मुकेश कुमार है, खलील अमन, ईशान शर्मा। यहाँ अगर इंपैक्ट प्लेयर में बात करेंगे जो कि जी रिचार्डसन है, अभिषेक कोरल है, यश धूल है, प्रवीण दुबे है, कुश अग्रवाल है। वहीं अगर कुछ की प्लेयर की बात किया जाए जो कि ट्रिस्टन स्टब्स है, ऋषभ पंत है और खलील अहमद है। तो फाइनली दोस्तों हमने हर एक चीज पे डिस्कशन कर ली, तो आगे बढ़ते हैं, चलते हैं टॉस विनर की ओर। तो हमारे अकॉर्डिंग यहाँ पे टॉस विनर गुजरात टाइटंस होगा। वहीं अगर मैच विनर की बात किया जाए तो यहाँ पे मैच विनर भी गुजरात टाइटंस होगा। यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स को हार मिल सकती है। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहे, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि हमारे वीडियो कैसा लगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ।